सीएल उडारिया का आज का एपिसोड बहुत ही इमोशनल रहा, जहां तेजो और फतेह अब अलग हो रहे हैं। ऐसा ये आपने देखा कि किस तरीके से छत पर तेजो नूडल्स के साथ बैठी होती है, और जब फतेह परेशान होकर छत पर आता है तो वो तेजो को देखता है कि तेजो बैठी हुई है। तेजो फतेह को कहती है कि फतेह यहाँ बैठ जाओ, मैं माइंड नहीं करूँगी, और फिर ये भी कहती है कि मुझे मालूम है कि तुमने खाना ठीक से नहीं खाया है, ये मैगी ये नूडल्स बनाया है इसे तुम खा सकते हो। और ये भी कहती है तेजो कि हम डाइवोर्स ले रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी, हम लोग फ्रेंड बन के रह सकते हैं या फिर बेस्ट फ्रेंड भी बनकर रह सकते हैं। यहाँ पर दोनों को अपनी अपनी यादें याद आ रही हैं, जैसे तेजो और फतेह ने अपनी पिछली ज़िंदगी, कुछ दिनों की ज़िंदगी जो बहुत खूबसूरत थी वो बिताई थी, वो सभी याद कर रहे हैं। फतेह जो है वो बहुत परेशान है, हालांकि डाइवोर्स का निर्णय तो उसने ले लिया है और डाइवोर्स के पेपर पे भी उन दोनों ने साइन कर लिया है। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले से खुशवीर सिंह ने ये बात कह दी है फतेह को कि कोर्ट में अपने घर की इज्जत मत उछालना। कहने का मतलब था खुशवीर सिंह का कि वो ये बात ना कहे कि उसका अफेयर किसी और से चल रहा था और इस वजह से वो तेजो को तलाक दे रहा है, यानी कि खुशवीर सिंह ने कहा कि ये बात नहीं उठनी चाहिए। अब ऐसे में अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ से तेजो की फैमिली भी पहुँच चुकी है कोर्ट, इधर फतेह की फैमिली भी कोर्ट पहुँची हुई है, जहाँ जज साहिबा बैठी हुई है जो पूछ रही है कि आखिर क्या वजह है। जब वो तेजो से कह पूछती है तुम क्यों डाइवोर्स लेना चाहती हो, तो तेजो कहती है कि हमारे बीच में प्यार मर चुका है। तो वहीं फतेह भी कहता है कि अब हम लोग एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि हम लोग प्यार नहीं करते हैं। इधर जब खुशवीर सिंह से कहा जाता है कि आप क्या चाहते हैं, तो यहाँ खुशवीर सिंह कहते हैं कि मैं तो डाइवोर्स नहीं चाहता हूँ, अब इन दोनों बच्चों की जो मर्जी। यहाँ पर सबसे सबकी राय ली जाती है और अंत में जो जज साहिबा फैसला सुनाती है वो सुनकर आप भी शॉक्ड होने वाले हैं, क्योंकि जज साहिबा अभी तेजो और फतेह को साथ रहने का कुछ दिनों का मौका देंगी। देखना दिलचस्प होता है कि अब शो में क्या ये मौका सचमुच तेजो और फतेह की जिंदगी में एक नया उजाला लेकर आएगा।